Okay. Okay, I think I'm live. Hi guys, how are you? आज एक live program मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और थोड़ी सी live बातें भी करेंगे. जल्दी जल्दी शेर तुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. गणपति बाप्पा मोरिया. क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार आवाज़ आ रही है तो आप लोग पिंग कर दें मुझे, फिर मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बताता हूँ. नोटपैड की ट्रिक हम सीखेंगे आज लोग. बिल्कुल बिल्कुल, सब क्वेश्चन लेंगे. अभी थोड़े थोड़े आपके क्वेश्चन लेंगे, फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी तरीके से लाइव आएँ और छोटा छोटा प्रोग्राम आप लोगों को बताएँ. आई एम फाइन. असलम सैयद, हेलो सर, आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग कंप्यूटर. बिल्कुल, कंप्यूटर से रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग आप क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं. बहुत जल्दी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है कंटेंट. तो चलिए, यहाँ पर आप सबसे पहले, स्क्रीन विजिबल है? सबसे पहले आप मुझे बताएं, स्क्रीन आपको नजर आ रही है यहाँ पर? हाँ, आज लाइव ट्यूटोरियल बताएंगे, छोटा सा ट्यूटोरियल, थोड़ा थोड़े लाइव ट्यूटोरियल लेकर आया करेंगे आप लोगों के लिए, जैसे कि आपको लाइव सीखने को मिले और अगर आपके क्वेश्चंस भी हैं तो वो लाइव आपके सॉल्व भी हो जाएं और कुछ बातें भी हो जाएं. कभी कभी लाइव आने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आपको यहाँ पर मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है बैकग्राउंड में सिस्टम की? ओके, तो चलिए गाइस, यहाँ पर आज इस वीडियो में हम सीखेंगे. सपोज अगर आपको आपकी मल्टीपल फेवरेट वेबसाइट्स हैं और आपको उनको एक सिंगल क्लिक में ओपन करना है तो आप कैसे करेंगे? नोटपैड ट्रिक मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक बैट फाइल यहाँ पर क्रिएट कर रखी है, बैच स्क्रिप्ट का यूज़ करके. ठीक है, तो जस्ट मैं इस पर सिंगल यहाँ पर डबल क्लिक किया मैंने इस पर और डायरेक्ट यहाँ पर वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो गई. आप देख सकते हैं, एक गूगल की वेबसाइट ओपन हो गई और एक मेरा यहाँ पर चैनल पेज ओपन हो गया. तो ये जैसे सपोज मेरे फेवरेट पेज हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली ओपन हो गए. अभी मैं आपकी चैट देखूंगा, अभी आप एक बार सीख लीजिए, फिर उसके बाद थोड़ी सी चैट करेंगे यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा गूगल का पेज ओपन हो गया और यहाँ पे हमारा यहाँ पर यूट्यूब का पेज ओपन हो गया. अब ये टास्क हम परफॉर्म कैसे करेंगे, छोटी सी स्क्रिप्ट मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, कैसे क्रिएट करनी है? यहाँ पे विंडो प्लस आर दबा के नोट पैड हमने ओपन करा. नोट पैड ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी है. क्या करना है आपको, सबसे पहले ऊपर लिखना है इको ऑफ. ठीक है, विजिबल है सभी को? विजिबल आ रहा होगा सभी को? ओके, जल्दी जल्दी शेयर भी कर दीजिएगा व्हाट्सएप वगैरह में अगर आप यूज करते हैं तो, जिससे कि थोड़े और लोग जुड़े. अभी 20 लोग लाइव हैं. ठीक है, तो इको ऑफ हमने यहाँ पे लिखा. देन इको ऑफ का यूज़ हम इसलिए करते हैं जिससे कि कमांड स्क्रीन पे हमें कुछ शो ना हो. इको बेसिकली किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. तो हमने जब इको को ऑफ कर दिया, दैट मीन कि कमांड जो स्क्रीन है उस पे हमें कुछ भी प्रिंट होके नहीं मिलेगा. ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे स्टार्ट. स्टार्ट का हम यहाँ पे बैच स्क्रिप्ट में यूज़ लेते हैं किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए. ठीक है, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो, चाहे कोई भी वेबसाइट हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर जस्ट आपको स्टार्ट के बाद स्पेस देना है और स्पेस देने के बाद आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट का URL यहाँ पे टाइप कर देना है जो भी आपकी फेवरेट है. जैसे सपोज यहाँ पर सपोज आपकी विकीपीडिया फेवरेट है, तो मैं wikipedia.org, ये मैंने URL कॉपी किया इसको. ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर नोट पैड में मैंने इसको पेस्ट कर दिया. ठीक है, आप चाहें तो HTTPS हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, ये आपकी चॉइस है. मैंने इस तरीके से लिख दिया. ठीक है, और मैं चाहता हूं कि जब भी मैं अपना ब्राउजर ओपन करूं तो यहां पे एक और वेबसाइट ओपन हो जाए, तो स्टार्ट स्पेस www.google.com. ठीक है, और अगर आपकी और भी कोई फेवरेट वेबसाइट है तो आप वो यहाँ पर लिख देंगे, स्टार्ट स्पेस www.youtube.com/c/bustodaytech. ये मेरे चैनल का URL है, मेरा फेवरेट है. आई होप कि आपका भी फेवरेट होगा, तो आप इस तरीके से, या फिर आपका कोई और चैनल फेवरेट हो तो आप इस तरीके से उसका URL लिख सकते हैं, जिससे कि डायरेक्ट चैनल ओपन हो जाए. कोई स्टडी वेबसाइट है तो वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं. इस तरीके से आप जितनी भी वेबसाइट है उनको 1 by 1 यहाँ पे स्टार्ट करके आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं. ठीक है, कितनी भी वेबसाइट हो, जैसे ही आप ये फाइल ओपन करेंगे वो सभी 1 by 1 टैब में यहाँ पे आ जाएगी. देन जस्ट आपको इस फाइल को सेव करना है. फाइल में गए, देन सेव एज, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं. डेस्कटॉप पे हम इसको सेव करते हैं सपोज माई फेवरेट वेबसाइट्स डॉट
आपको डॉट लगाना है देन बैट, BAT यहाँ पे लिखना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लाइव स्ट्रीम है तो मैं यहाँ पे जूम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपने एक नई फाइल यहाँ पे आ गई, माई फेवरेट वेबसाइट, ठीक है। अगर आपको इस फाइल का सोर्स कोड देखना हो, राइट क्लिक करके आप इसको नोट पैड में ओपन कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका सोर्स कोड, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे तीन वेबसाइट हमारी फेवरेट, विकिपीडिया, गूगल और बसपीडी टैग का जो चैनल है, इसको हम ओपन करेंगे। जस्ट आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ब्राउजर में विकिपीडिया ओपन हो गया, गूगल ओपन हो गया और बसपीडी टैग का पेज ओपन हो गया। इस तरीके से आप मल्टीपल पेजेस यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। 31 ही ऑनलाइन है, इस तरीके से तो मजा नहीं आएगा। आप लोग शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, तभी मैं लाइव आ पाऊंगा, क्योंकि लाइव के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है। क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो होता है वो तो मैं नाइट में आधी रात को भी शूट कर लेता हूँ, अब आधी रात को तो आएंगे नहीं, इसलिए मैं दिन में आया हूँ, लाइव आया हूँ। तो गाइज चलिए एक बार देख लेते हैं क्या कह रहे हैं आप लोग। ओके ओके, थैंक यू दिविज, शेराज राठौड़, अस्सलाम वालेकुम सर, XML फाइल ओपन नहीं हुई नोट पैड में, जब ओपन करता हूँ तो हेक्सा फॉर्म में शो होती है। आप उसका आप दूसरा टेक्स्ट एडिटर यूज़ करके देखिए, नोट पैड प्लस प्लस ओपन करके देखिए, उसमें वर्क करेगा। नोट पैड में सभी सिंबल्स या फिर सभी चीज़ें कई बार सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। मृदुल टेक कंप्यूटर, योर चैनल इज़ बेस्ट। तो गाइज आपने अभी ट्रिक सीख ली, समझ ली, सॉरी फ़ोन स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मुझे पता ही नहीं था। ओके भार्गव पटेल बोलिए, प्राइम हैकर अमेजिंग, लिता कुमारी आई लाइक, सर कैसे हैं आप, आई एम फाइन। 2GB रैम के लिए कौन सा एमुलेटर बेस्ट है? देखो 2GB रैम के लिए आप कोई सा भी एमुलेटर यूज़ लो, आपका सिस्टम थोड़ा सा लैग करेगा ही करेगा, क्योंकि एमुलेटर को भी रैम की नीड होती है, ठीक है। अगर आप 2GB रैम चला रहे हैं और उसमें OS यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ 7, तब तो फिर भी पॉसिबल है, लेकिन विंडोज़ 10 को भी रैम चाहिए होती है, इसलिए 2GB रैम के लिए एमुलेटर कोई भी बेस्ट नहीं कह सकते। फिर भी आप वर्चुअल मशीन वगैरह यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। रिमिक्स साहिल, PHP सिखाओ, सब सिखाने वाले हैं, जल्दी मैं अपना ऐप भी लॉन्च करने वाला हूँ, आपको काफ़ी सारे कोर्सेज मिलेंगे जो मैं यहाँ पे YouTube पर नहीं डाल सकता पॉलिसीज़ की वजह से। आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है और बहुत जल्दी आपको एक खुशखबरी भी मिलने वाली है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा सेशंस आने वाले हैं जो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ओके एंड्रॉयड की क्लास दीजिए, बिल्कुल रिमिक्स साहिल फ्रॉम बिगिनिंग, सर ओपन क्या है नोट पैड में प्लस प्लस तो भी ओपन नहीं हो रहा। मुझे XML फाइल का स्नैपशॉट सेंड कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, फिर मैं चेक करता हूँ, होना चाहिए ओपन। VBA स्क्रिप्ट के बारे में फुल ट्यूटोरियल बनाया, बिल्कुल आएगा दिविज हेयर, PHP भी सिखाएंगे, बिल्कुल सब सिखाएंगे आपको, डोंट वरी। ओके तो गाइज आई होप कि ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, और इस तरीके से अगर आपको लाइव सेशन पसंद है, अगर आपको लाइव सीखना पसंद है तो बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में। अभी के लिए तो मैं चलता हूँ, और हो सकता है जल्दी किसी दूसरे वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर ज्वाइन हूँ, लाइव ज्वाइन हूँ, तो हम फिर से मिलेंगे, फिर से मुलाकात होगी आपसे। युवराज गुप्ता, हाउ टू मेक फ्री वेबसाइट, प्लीज़ मेक वीडियो। देखो वेबसाइट अगर आप फ्री बनाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको डोमेन तो परचेस करना ही होगा, फिर भले ही हम उस वेबसाइट को ब्लॉगर वगैरह के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सिंपल अपना पर्सनल डोमेन लेके वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो डोमेन तो परचेस करना ही पड़ेगा आपको। ओके स्टार हाय, ऋषभ हाय, हेलो। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप सभी को गणेश चतुर्थी की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी फैमिली को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट।